हेलो गाइस, वेलकम टू लक्ष्यतन्य शिकायत व्लॉग। टुडे वी आर मेकिंग खारी पिज़्ज़ा, और दूसरे शब्दों में कहा जाए तो पफ पिज़्ज़ा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम लोग अपनी बेकिंग ट्रे में सारे खारी के पीसेस को लाइन अप कर देंगे। आप चाहें तो स्क्वायर शेप की भी खारी यूज़ कर सकते हैं। हियर आई एम यूजिंग रेक्टेंगुलर शेप खारी। ओके, अब हम लोग सब पीसेस के ऊपर अच्छे से मेयोनीज को स्प्रेड करेंगे। स्प्रेड करने के बाद हम लोग उसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी पिज़्ज़ा पास्ता सॉस या फिर टमाटो केचप, वट एवर यू लाइक। एज वी कैन सी, हमारे खारी पिज़्ज़ा का बेस तो तैयार हो गया है। नाउ इट्स टाइम टू ऐड इन सम टॉपिंग। फॉर टॉपिंग वी विल स्टार्ट इट विद ग्रेटेड मोज़रेला चीज़। Now it's time to add in our vegetables. For veggies, I am using golden corn, capsicum and tomatoes. आप चाहें तो vegetables को अपने हिसाब से modify या फिर arrange भी कर सकते हैं। आप चाहें तो उसमें bell pepper गिर सकते हैं, olives गिर सकते हैं, या फिर जो भी vegetables आपके पास available हो आप वो भी गिर सकते हैं। Now at last I am using cream cheese, जिसके ऊपर से हम लोग टॉप करेंगे mozzarella cheese। अगर आपके पास mozzarella cheese नहीं है, उसके अलावा parmesan या फिर कोई भी दूसरा cheese है, तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। Now all left to be done is adding pizza seasoning and we'll bake it. Now we will bake it for 15 to 20 minutes, वो भी 180 to 200 degree Celsius के temperature पे। और कैन से जब तक हमारा चीज़ गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता ऊपर से, हम उसे तब तक बेक करेंगे। बट आपको बीच में चेक करता रहना पड़ेगा कहीं जल ना जाए। Guys, as you can see, our tasty, yummy and crispy खारी pieces ready to be served. उम्मीद है आप लोगों को हमारे सिंपल एंड इजी खारी पिज़्ज़ा की रेसिपी जरूर अच्छी लगी होगी। इफ़ यू गाइस डू लाइक इट, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दी चैनल एंड हिट दी लाइक बटन। थैंक यू।